हर बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे Happy birthday, Akshay. Happy birthday to you. तेरी इस हंसी महफिल में तोहफा लेके आता औरों की तरह मैं भी फूल लेके आता जिन्हें क्या है उन्हें क्या है फूलों की जरूरत जो बाहर खुद कहलाए हर कली का दिल धड़काए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे अक्षय हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन के शुभ अवसर पर पिता ने प्यार स्वरूप बेटे को नया ऑफिस गिफ्ट किया। जी हाँ, आपको बता दूं कि अक्षय गुमरे जो एक अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने वकालत कर रखी है। खास बात यह है कि 9 मई को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके पिता श्री अंकुश गुमरे ने वासी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वासी स्टेशन के सेकंड फ्लोर पर एक ऑफिस गिफ्ट कर दी, जिसका उपयोग अक्षय गुमरे लोगों की मदद के लिए करेंगे। यहां से वे लोगों के लिए लीगल एडवाइस, अंडर कमर्शियल और मैन पावर कंसल्टी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इस अवसर पर उनके हौसला अफजाई के लिए उनके माता पिता के साथ कई गणमान्य उपस्थित थे, जिन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अक्षय के लिए शुभकामना की। आइए सुनते हैं वहां उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। ग्रेजुएटेड एंड ही इज नाउ एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस नाउ, द ऑफिस नाउ। आई होप दैट ही गेट्स वेरी गुड बिजनेस, वेरी गुड पोटेंशियल इज देयर इन दिस एरिया एंड ही कैन लेयर रियली फ्लरिश, बिकॉज टुडे legal business is very very good because 10 years 15 years before legal business itna acha nahi tha, lekin abhi legal business bahut acha ho gaya, because log abhi jitne bahut se alag alag branches bhi khule hain and it is not only one, that pehle ke zamane mein only civil cases hote the ya criminal cases hote the, bahut se avenues nikal ke aa gaye hain, so I wish him grand success and Ankush saab to है तो उनका भी अपना खुद का एक्टिविटीज है, बिजनेस है, मैन पावर कंसल्टेंसी है एंड है ना, यस सर, तो वो भी अभी आज के डेट में तो दिस इज वेरी डिमांडिंग, वेरी वेरी डिमांडिंग इंडस्ट्री है ये, तो आई विश हिम आल्सो ग्रैंड सक्सेस। बेटे ने लॉ किया है तो मैं चाहता था कि लॉ में कुछ करे, और दूसरी बात है कि आजकल के यूथ को जो एम्प्लॉयमेंट जो चाहिए, सही तरह का एम्प्लॉयमेंट है, उनको सही दिशा देना, उनके उनके जो एजुकेशन के हिसाब से उनको अच्छा जॉब दिलवाना, ये हम काम करेंगे। शिक्षित एजुकेटेड लोग हैं या सेमी एजुकेटेड है, उनके भी लेबर कैटेगरी के लोग हैं, तो सारे तरह के लोगों को हम अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट में दिशा देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो माध्यम बहुत से, अपने मोबाइल नंबर है, मेल है, तो उस माध्यम से व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उस माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं और उनके जो भी रिक्वायरमेंट होंगे वो हम लोग पूरी तरह से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग, दिस इज जयेश खारे, डायरेक्टर ऑफ इंडो ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑनरी एडवाइजर फॉर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नवी मुंबई। टुडे आई एम हियर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिस्टर अक्षय गुमरे। आई रियली कांग्रेचुलेट टू हिम इनॉग्रेशन his office in Washi Station, such a fantastic and fully furnished office. It's legal advisory and placement services. So both services, really happy and appreciate his effort. So being his own office, not rented, that's very an office in Washi, Navi Mumbai. So both the Washi Station. So it's a new beginning and like to appreciate and give the all my best wishes to him to start his new journey and entrepreneurship. So very happy and once again I really appreciate and congratulate to him and the way. So namaste, mera naam Akshay Ankush Gumre, main ek lawyer hu, maine apna law ILS law college Pune se complete kiya hai
सो आज मेरे जन्मदिन के इस अवसर पर आज 9th में एक शुभ दिन जो है उस दिन पे मुझे पापा ने गिफ्ट दिया है। जो लॉ का प्रैक्टिस है मैं यहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ और मैं हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा बेंच जो कि फोर्ट में वहाँ पे प्रैक्टिस करके मेरे जितने भी लीगल मैटर्स है मैं इस ऑफिस से वो सब हैंड ओवर करूँगा। और आपको किसी भी चीज़ की सहायता लीगली प्लस एंटरप्रेन्योरशिप प्लस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चाहिए तो आप हमारे इस ऑफिस में आ सकते हैं। मेरा ऑफिस का एड्रेस है E201 सेकेंड फ्लोर वाशी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अबव वाशी रेलवे स्टेशन। ऑफिस खुला है मुझे तो बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि मेरा ऐसा कहना था पहले से क्या इसको अपने छोकरे को अक्षय को कुछ भी ऐसा दे ये करो क्या किधर भी वो बैठ के अपना काम कर सके और खुद को ओनर करके काम करने का जो मेरा ये था इच्छा वो आज पूरा हो गया। किधर भी जाके सर्विस करके करना और खुद का बिजनेस करना इसमें बहुत सा अंतर होता है। और जब ये पिताजी उसके अंकुश घुमरे उनका जो ये था कि भाई मेरे छोकरे को ऐसा ही होना मांगता है कि जो किसी के पास नौकरी नहीं करेगा वो खुद का बिजनेस करेगा। और ये जो अभी बिजनेस निकाला और जगह भी बहुत अच्छा मिला है उनको और मेरा तो ये दिखता है भविष्य में ये तो बड़ा बनने वाला है। मैं तो पहले से बोल रहा था ये हमारे फैमिली मेम्बर करके है हमारे घर में जब भी वो छोकरा आएगा तो हमारी ये औरत भी ऐसी बोलती थी क्या नहीं नहीं ये बड़ा होने वाला है और ये कोई भी बड़ा जज या वकील ऐसा वैसा उसका था ये बनने का इरादा था। और ये अभी ऐसा हुआ क्या ये फिल्म लाइन में जाने वाला था और ये उनका जो क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक पात्रता उससे मुताबिक ये आज का दिन बहुत ये हो गया क्योंकि उसका सही काम मिला है। नहीं तो वो फिल्म इसमें जाता था उधर कुछ उसको चांस बहुत तो भी उसको चांस मिला था असिस्टेंट डायरेक्टर करके लेकिन इससे बढ़िया है और इसमें वो प्रगति करेगा क्योंकि नॉलेजेबल है उसके हुनर है उसमें अंदर और उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है करके वो आगे जाने वाला है। और हमारा आशीर्वाद है ये बर्थडे के इससे कि वो आगे जाएगा। ठीक है अंकुश जी सर यहाँ पे आए अक्षय को बेस्ट विशेस दिया क्या कहना चाहेंगे आप? सर तो मेरे गुरु है महान गुरु है मेरे। मैंने जब यूनियन क्षेत्र का काम जैसे नए नए संभाला था मुझे कुछ नहीं आता था तो उस वक्त मुझे माली साहब का सहारा मिला। MIDC यूनियन के वो फाउंडर प्रेसिडेंट है और कई सालों से यूनियन चलाते हैं। उनका जो यूनियन चलाने का तरीका है उनका जो ज्ञान है यूनियन चलाने का बहुत ही बढ़िया है तो मैं उनको दिल से चाहता हूँ और वो दिल से मेरे गुरु है। और जब वो मुझे जब याद आता है कि माली साहब मेरे पीछे है तो मेरा हौसला बढ़ जाता है मेरा जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि माली साहब सदा मेरे और मेरे बेटे के पीछे रहे और हमारे भी उनकी छत्रछाया बनी रहे।